आज हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे सरल आकृतियों की समझ। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे सरल का शाब्दिक अर्थ होता है आसान, और आकृति का मतलब समझ रहे होंगे किसी का चित्रांकन, चित्रांकन या छायांकित भाग। तो सबसे पहले आज इस शौकिक चित्र को आप समझें। सरल आकृति, आकृति आप किसी का भी ले सकते हैं, घरेलू उपयोग का भी ले सकते हैं, विद्यालय में जो उपयोग करते हैं उसको ले सकते हैं, खेलकूद में जो उपयोग करते हैं उसको ले सकते हैं, खाने के समय जिसका उपयोग करते हैं उसको भी ले सकते हैं। मतलब किसी का भी आप आकृति का प्रयोग, यहां इसमें ही स्पष्ट किया गया सरल आकृति की समझ। इसमें जो चैप्टर है सिर्फ आकृति के विषय में आपको चर्चा किया गया है। जैसे आप किताब, कॉपी, कलम, चौक, डस्टर आप विद्यालय के बेंच का भी आकृति का ले सकते हैं, विद्यालय के दरवाजे का भी ले सकते हैं, विद्यालय का गेट का भी ले सकते हैं। सरल आकृति का मतलब किसी का भी आकृति से आप चर्चा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ देना चाहते हैं, आप दे दिए त्रिभुज का, दे दिए वृत्त का, दे दीजिए कोण का, आप किसी का भी आकृति का चर्चा कर सकते हैं। आप इस तरह से जो देखते चर्चा करते हैं, आप देख रहे हैं सब किसी ना किसी का आकृति, और यह आकृति बना हुआ। आप चौकोर भाग का भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इसका परिभाषा आपको क्लियर है और इसमें आप बना लेंगे। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है एंगल, कोण। तो इसमें तीन प्रकार का एंगल का आपको प्रयोग किया जाएगा। पहला हो जाएगा न्यून कोण, दूसरा हो जाएगा अधिक कोण, और तीसरा हो जाएगा समकोण। सबका अलग अलग परिभाषा से आपको अवगत करना है। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा होती है वैसी आकृति जो 90 डिग्री से छोटा होता है या कोण भी ले सकते हैं। उसे न्यून कोण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बहुत सारे से आप ले सकते हैं। दूसरा है अधिक कोण, इसकी परिभाषा होती है वैसी आकृति या कोण जो 90 डिग्री से अधिक होती है उसे अधिक कोण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, यहां क्लियर बताया कि 90 डिग्री से अधिक, यानी 105 डिग्री भी आप ले सकते हैं, 110 डिग्री भी ले सकते हैं, 150 डिग्री भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं 170 से 50। और तीसरा होता है समकोण, वैसी आकृति या कोण जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहा जाता है। सभी का फिगर तो हम नहीं दे सके, लेकिन इसका फिगर आपको हम दे देते हैं। 90 का मतलब हो गया पूरा सीधा, आप किसी आकृति पर बनाते हैं है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। यही आपको अध्याय 6 में सरल आकृति की समझ में पढ़ना है, यानी इसकी पहचान आपको आकृति से करना है, और आकृति देखने के बाद यह पता करना है कि कौन किस भाग की आकृति है। तो फिर से बता देते हैं सरल आकृति की समझ, सरलता शाब्दिक अर्थ होता है आसान, और आकृति का होता है चित्रांकन छायांकित भाग, यानी किसी की पहचान उसकी आकृति से कर सकते हैं, उसकी आकृति को देखने से आपको यह पता चल जाएगा कि ये किस भाग में काम कर रहा है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्याय 6 में आप पूरे अभ्यास को बना लेंगे, जो नहीं बनेगा फिर आगे आपको बताया जाएगा।